हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन इन आराध्या इंग्लिश क्लासेस। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, इंट्रोडक्टरी वर्ड। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना। देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड है देयर। देयर एक ऐसा वर्ड है जो वाक्य में खुद सब्जेक्ट के साथ आकर उसको प्रदर्शित करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है किसी भी वाक्य में। जैसे एक गाय है। अब देखिए, ये एक वाक्य है, एक गाय है। इसमें मुख्य सब्जेक्ट आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? काव। अब हम इस वाक्य को इस तरह से तो बना नहीं सकते, काव इज ए, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। अब इस वाक्य को पूर्ण रूप से सही करने के लिए हमें इंट्रोडक्टरी वर्ड देयर की आवश्यकता होगी। तो हम जब इस वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे तो हम शुरुआत में देयर का प्रयोग करके और देयर के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाकर देयर इज ए काउ। इस तरह से आपने यह देखा कि देयर का वर्ब देयर का प्रयोग हमने इस काउ सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग किया। इस वाक्य में देयर का कोई भी मतलब नहीं है, फिर भी हमने देयर का एक सपोर्टिव यानी एक सपोर्टिव वर्ड की तरह कार्य करता है उसका प्रयोग करते हुए इस वाक्य को कंप्लीट किया। अब किसी भी वाक्य को देयर का ही प्रयोग क्यों किया? हमने शुरुआत में ही देयर का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि देयर का प्रयोग इस वजह से किया है कि देयर किसी भी वाक्य में, इस तरह के किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का रूप लेकर साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, वो हेल्पिंग वर्ब को भी साथ में ले लेता है। जैसे एग्जांपल एक बार देखेंगे, आपने ये सेंटेंस अवश्य सुना होगा, एक राजा था, एक राजा था। अब हमारे देश में, हमारे इतिहास में बहुत सारे राजा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उस राजा का नाम नहीं है। अब पता नहीं कौन सा राजा था, तो उस वाक्य को पूर्ण करने के लिए तो यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? देयर का ही प्रयोग करेंगे। देयर अब था आ रहा है, यानी कि बाज, यानी हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। और यहां पे बाज ही क्यों आया, वर क्यों नहीं आया? वर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? एक। ऐसे ही यहां पर एक लिखा होने के कारण यहां पर इसका प्रयोग किया है, यहां पर एक लिखा होने के कारण यहां पर बाज का प्रयोग किया है। अब क्या बचा? एक राजा था, देयर बाज। क्या था? एक राजा, तो ए किंग। ओके, अब वर्ब कब आएगा, आर कब आएगा? जब वाक्य में, अगर वाक्य में एक शब्द आ रहा है तब, और काउंटेबल चीज नहीं है, यानी कि खाने पीने की चीजें हैं जैसे पानी है, प्रेम है, या कुछ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो हम एक का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनके बारे में बात करी जा रही है। अच्छा, जब एक आ जाता है तो नॉर्मली तौर पर अपने आप ही इज और वाज का प्रयोग हो जाता है। जैसे अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे लड़के थे छत पर, ऐसे करते हैं, छत पर लड़के थे। अब देखिए यहां पर शब्द जो सब्जेक्ट है, यानी मुख्य सब्जेक्ट क्या है इसमें? लड़के। कहां पर थे? छत पर। लड़के बहुत सारे हैं, तब हम इस वाक्य का प्रयोग कैसे करेंगे इंग्लिश में? देयर वर, देयर वर। अब यहां पर लड़के एक तो है नहीं, बहुत सारे लड़के हैं, तो करेंगे बॉयज, देयर वर बॉयज। कहां पर? छत पर, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। इस तरह से हमने वाक्य का प्रयोग किया। जैसे अब हम बात करते हैं, नदी में पानी है, नदी में पानी है। अब हम पानी को तो गिन नहीं सकते, तो देखिए हमने जब पानी का शब्द लगाया है तो हम जब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? देयर। अब है आ रहा है, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। जितनी भी चीजें अनकाउंटेबल होती है वो नॉर्मली एक वचन में ही आती है, तो हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर था होता तो यहाँ पर हम बात का प्रयोग करते हैं। देयर इज वॉटर, कहां पर? नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर।
इन द रिवर, आर आई वी ई आर। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं, समाज में एकता नहीं है। अब एकता को हम गिन नहीं सकते, यानी यूनिटी को हम गिन नहीं सकते, तब भी हम यहां पर क्या का प्रयोग करेंगे, देयर का ही, क्योंकि वाक्य जब अभिभावक द्वारा बता दो, पहले ट्रांसलेट कर दे, देयर इज, अब नहीं आ रहा है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे यहां पर, क्योंकि क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर जो एकता शब्द है वो अनकाउंटेबल है। जितनी भी चीजें अनकाउंटेबल होती हैं उनको नेगेटिव के साथ में नो का प्रयोग करते हैं, देयर इज नो यूनिटी इन द सोसाइटी, या इन सोसाइटी, या इन द सोसाइटी, एस ओ सी आई ई टी वाई, इस प्रकार से हम देयर का प्रयोग करते हैं।